दशकों से अटके राम जन्मभूमि विवाद पर 10 जनवरी को अहम सुनवाई होगी, जिसके लिए अब 5 जजों की बेंच का गठन कर दिया गया है। इस बेंच की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे। इस बेंच में और किन्हें शामिल किया गया है, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में जब 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, उस वक्त प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने ये कहते हुए सुनवाई को 10 जनवरी तक टाल दिया था कि 3 सदस्यीय गठित नई बेंच ही मामले पर नजर रखेगी और आगे के लिए आदेश जारी करेगी। वहीं अब राम मंदिर पर सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन कर दिया गया है। इस संवैधानिक बेंच में जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को शामिल किया गया है। इस बेंच की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे। अब नई बेंच ही ये तय करेगी कि राम मंदिर मामले में रोजाना सुनवाई होगी या नहीं। हालांकि इस मामले में जल्द निपटारे की मांग की जा रही है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इस पर रोजाना सुनवाई की जाए। हिंदू महासभा के वकील ने भी मामले में रोजाना सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि आम चुनाव से पहले इस पर फैसला सुनाया जाए। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, राम मंदिर पर रोजाना सुनवाई होगी या नहीं, ये 10 जनवरी को साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।